सलूम्बर तहसील किसान संघ ने सौंपा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन। फसलों के आयात शुल्क, कृषि शेष शुल्क में कटौती व मुआवजा राशि में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर जैसमंद तहसील के किसान संघ के पदाधिकारियों ने भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष किशोर सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में जैसमंद नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 14 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक पाम ऑयल, सोयाबीन व सूरजमुखी के तेलों के आयात शुल्क, सीमा शुल्क व कृषि से शुल्क में कटौती की गई है। अक्टूबर 2021 से पहले ही रिकॉर्ड खाद्य तेलों का आयात किया जा चुका है। खरीफ सीजन की मूंगफली, सोयाबीन, तेल जैसी फसलें कटकर तैयार होने वाली है। ऐसे में तेलों के टैक्स में कटौती से किसानों को फसलों उत्पादन लागत नहीं मिलने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर आज किसान संघ ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जैसमंद भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष गुमान सिंह, उपाध्यक्ष पार सिंह, विधि प्रमुख कालूलाल डामोर, जिला मंत्री ललित पंड्या, अशोक कुमार, भूपेंद्र कुमार, प्रभुलाल एव, रोड़ीलाल सुतार सहित कई सदस्य मौजूद रहे।